तो हाँ जी, क्या हाल है? आज एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। फिर से मैं हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूँ कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं इसको ओन करते हुए। मैंने इसको दिसंबर 2022 के अंदर बाय किया था एंड मैं इसको 6000 से ज़्यादा किलोमीटर्स राइड कर चुका हूँ। आपको दिखा देता हूँ कितना चलाई है मैंने। 6291 63, ऑलमोस्ट आप लगा लो 6300 किलोमीटर्स मैं इसको राइड कर चुका हूँ। मैं इसको हिल्स पे भी लेके गया हूँ, प्लेन्स में भी चलाई है, हाईवेज पे भी, थोड़ा लॉन्ग ट्रिप भी मैंने इसके ऊपर मारा है। तो मैं जो जो मेरे को प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो एक बाइक को चलाने के लिए सबसे बेसिक सी चीज़ है वो है क्लच, जो आपको हर एक बाइक में मिल जाता है। तो एक क्लच इसका जो है दैट इज़ ऑन अ स्टिफर साइड एंड इसके आप जितनी एडजस्टमेंट करा लो, मैंने इसकी हर टाइप की लूज टाइट सब एडजस्टमेंट करवा के देख लिया है। आपको ये चीज़ बहुत दुख देगी देगी, मैं नहीं, काफ़ी हंटर के ओनर ये चीज़ आपको क्या सबको ही बोलते हैं ये चीज़। इसमें क्या है, अगर आपको सिटी के लिए चाहिए तो मतलब जहाँ पे आपको क्लच दबा के रखना पड़े या फिर फ्रीक्वेंटली आपको क्लच अप्लाई करना है तो आपके लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट हैंड की एस्थेसी होने वाली है, इसके लिए आप रेडी हो जाओ। एंड अगर आपको लॉन्ग राइड्स पर जाना है, जैसे मैं इसको करनाल लेके गया था, फिफ्थ गियर पर डाल के क्लच छोड़ दो, क्लच का यूज़ नहीं, ईजिली आप इसको क्रूज़ करते रहो तो इतना आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं। बाकी सिटी में एंड हिल्स वगैरह पे ये थोड़ा आपको दुख देगा, मेरे को भी देता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके मिरर्स की। ये हैं इसके स्टॉक मिरर्स, एक और रॉयल एनफील्ड के ऐसी स्टैंडिंग बार एंड मिरर्स भी आते हैं, स्टैंडिंग मिरर्स भी हैं। स्टैंडिंग मिरर्स आते हैं उसके कुछ 8000 रुपीज़ के आसपास के, रॉयल एनफील्ड के, जो कि मेरे को बिल्कुल वर्थ नहीं लगते भाई। 8000 रुपये के शीशे लगवा रहे हो यार तुम, मतलब इतने पागल, इतने एक्स्ट्रा पैसे हैं तुम लोगों के पास, मतलब तुम वो ले लो भाई, आफ्टर मार्केट ले सकते हो आप लोग आराम से। तो ये मिरर है आपके 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक गुड, उसके बाद दीज आर मोर लाइक यूजलेस। इतनी वाइब्रेशन इनमें होती, इतनी वाइब्रेशन होती है आपको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते पीछे देख के। तो ये कोई ज़्यादा अच्छे साथ देने वाले मिरर्स हैं नहीं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो है इसके सस्पेंशन की। तो इसके अंदर पीछे भी डुअल सस्पेंशन सेटअप आता है, एक इधर एक उधर, एंड स्पेशली इसका जो पीछे का सस्पेंशन सेटअप है दैट इज़ ऑन अ वेरी स्टिफर साइड। आगे के फिर भी थोड़े ठीक है, मतलब दिखता है वो काम करते हैं, बट ये वाले काफ़ी स्टिफर साइड पे हैं। मैंने इसकी सबसे सॉफ्ट सेटिंग पे इसको सेट किया हुआ है अभी भी, मतलब इतने स्टिफर साइड पे हैं ये। आपको कभी कभी तो किसी किसी सिचुएशन में ऐसा लगा कि इसके अंदर भाई सस्पेंशन ही नहीं दे रखे कंपनी ने, ठीक है। मतलब मैं इसको कसौली ले गया था, ऑब्वियस ही बात है हिल्स पे काफ़ी थोड़ा पैची एरिया भी आता है ऊपर खबर जगह, ये भाई मेरे को बहुत दुख दिया था, मेरी बैक में दर्द होने लग गया था इस सस्पेंशन की वजह से। तो ये आपको थोड़ा लगेगी ये चीज़, मेरे को भी लगती है भाई, मतलब तुम 2 लाख रुपये इस बाइक के ले रहे हो, थोड़ा तो सॉफ्ट, मतलब ज़्यादा भी नहीं बिल्कुल सॉफ्ट सस्पेंशन दो, अच्छे सस्पेंशन तो दो तुम। जैसे क्लासिक इतने अच्छे सॉफ्ट सस्पेंशन आते हैं वो तो अब इसमें दे सकते थे, बट एक कॉस्ट कटिंग करी है इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फ्यूल गॉज की। तो इसके अंदर भाई डिजिटल फ्यूल गॉज आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फ्यूल मीटर। तो ये है, ये देखो अभी फुल है इसके अंदर, तो ये डिजिटल फ्यूल गॉज आता है। मैं इसको करनाल लेके गया था फिर वापस लेके आया था, कुछ 270 किलोमीटर के आसपास मैंने चलाया था एंड इसने रिजर्व लगा दिया था। रिजर्व में भी मैं मतलब 20-25 किलोमीटर चला दिया था इसके हिसाब से। फिर मैंने पेट्रोल फुल करवाया सिर्फ, वैसे इसका 13 लीटर का टैंक है, रिजर्व के बाद सिर्फ इसमें 7 लीटर पेट्रोल डला है। मतलब ये इतना गलत बताता है ना आपको, आप इसके भरोसे चलो ही मत, कोई आप ट्रिप प्लान करो ना इसके भरोसे मत करना। मेजॉरिटी हंटर्स के साथ यही दिक्कत है, मेरी पुरानी वीडियो में भी हंटर के ओनर यही कंप्लेंट करते हैं यार ये बहुत दिक्कत देता है, इसका पेट्रोल बहुत हमें बेवकूफ़ बनाता है, जो कि जेन्युइनली सच है, ये यार बेवकूफ़ बनाता है। तो अब इसके भरोसे मत चलना, खुद का भी दिमाग लगाना कि अगर आपको जितने की माइलेज दे रही है आपके हंटर उसके हिसाब से इतने लीटर पेट्रोल में कितनी चल जाएगी, ये चीज़ मैं इसकी चेक करवाऊंगा, मेरे को ये चीज़ काफ़ी लगती है इसकी। उसके बाद हम बात करते हैं इंजन हीटिंग की। सो ये 350 cc इंजन, एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड दोनों मिक्स आता है भाई इसके अंदर, कंपनी ने पता नहीं क्या जुगाड़ कर रखा है, बट इंजन हीटिंग की आपको दिक्कत इसके अंदर फेस होगी, नॉट ऑन वेरी बिग स्केल, अगर आप गर्मियों में सिटी में लाइक ट्रैफिक में फंसे हो, इसको काफ़ी टाइम तक गाड़ी मतलब आपकी बाइक ऑन है, ज़्यादा चल नहीं रही है, तो आपको हीटिंग थोड़ी फील होगी अपनी टांगों में। मतलब बहुत ज़्यादा इशू तो नहीं मैं इसको बोलूँगा, बट है कहीं ना कहीं हीटिंग इशू इसके अंदर है, जो मेरे को भी फील हुआ है। उसके बाद मैं बात करूँगा इसके जो है अंडर पावर्ड और अंडर गियर्ड, ये बाइक फील होती है इसके अंदर। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आता है, ऑब्वियस ही बात है। उसके अंदर एक तो अंडर पावर्ड क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड आपको
इसके अंदर तो 160 तक दी हुई है, वो छोड़ो, ये 120 तक जाएगी, उसके बाद इससे नहीं जाया जाएगा भाई, इसकी बस हो जाएगी। 350 cc का इंजन है यार ये, 120 पर बस हो जाती है इसकी, ये क्या बात होती है। इन्होंने ECU के थ्रू, रॉयल फील्ड ने ECU के थ्रू इसको कंट्रोल किया हुआ है, जो कि मेरे को बहुत गलत लगता है। आप इसको लीन करके भी 130 तक ले जाओगे, मैक्स ट्रैक्स में 130 तक ले गए, उसके आगे भाई ये नहीं जा सकती, ये बाइक अपना एकदम तोड़ देती है। एंड इसके जो गेयर स्पैन्स हैं लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बहुत छोटे छोटे हैं, काफ़ी हाई रेव कर देती है बहुत जल्दी ही, तो ये चीज़ भी मेरे को इसकी थोड़ी लगती है। एंड 90-100 के स्पीड के आसपास इसकी सिक्स गियर भाई बहुत नीड लगती है, इसमें सिक्स गियर होना चाहिए था, कि सिक्स गियर लगाएं थोड़ी और भाग सके ये, मेरे को ये चीज़ इसकी काफ़ी खिलती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी थोड़ी सीट और इसकी सीटिंग पोजीशन की। क्लच तो मैं आपको बता दिया क्लच का क्या सीन है, एंड इसकी सीटिंग पोजीशन के साथ क्लच का बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता नहीं है, आपकी बैक में दर्द होएगा थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग राइड्स पे। ये मेरे खुद के पर्सनल हैं, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं, आपके और मेरे प्रॉब्लम्स में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा है बिल्कुल ही भाई पत्थर की लकीर हो गया मैंने जो बोल दिया, तो आपकी ये थोड़ा राइडिंग पोजीशन भी इसकी मोर लाइक ऑन अनकम्फर्टेबल साइड है। ये टॉप एंड वेरियंट है इसका रेबल ब्लू, जिसको नहीं पता मेट्रो है रेबल ब्लू, तो इसकी ये टॉप एंड वेरियंट की सीट आती है, ये ओके है, थोड़ी स्टिफर साइड पे ये सीट भी। एंड अगर आपको पिलियन के साथ इस बाइक को राइड करना है तो भाई इसका बैक रेस्ट आता है, चाहे आप आफ्टर मार्केट लगवाओ कंपनी से लगवाओ, वो लगवाना मस्ट है भाई, मैं बहुत ज़ोर से रिकमेंड करूँगा उसको अगर आपको पिलियन के साथ जाना है। पिलियन इतनी सी सीट पे कंफर्टेबल नहीं है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है ये चीज़, एंड मैं खुद आपको बता सकता हूँ अच्छे से कि आपको वो चीज़ लेनी चाहिए, एंड वो जल्दी से जल्दी एक्सेसरी को आपको ऐड करना चाहिए। उसके बाद एक और बहुत, अगर आपको रात को बाइक चलानी है, आपको रात को बाइक चलाने की क्या ज़रूरत है, दैट इज़ द लाइट। ये इसकी हेडलाइट 2023 के अंदर, ये बाइक जो नए वाला है E20 IS वेरिएंट है उसका, जो भी उन्होंने कहा कुछ कॉस्मेटिक डिफरेंस नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उसमें, यही सेम चीज़ है वो भाई, 2,00,210 की भी पड़ रही है काफ़ी जगहों पे भाई, तुम हैलोजन सेटअप दे रहे हो उसमें भी, देख लो भाई हैलोजन सेटअप है ये पायलट लैम्प भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, इंडिकेटर्स भी हैलोजन है, LED वाले आप लगवा सकते हो 3500 रुपये एक्स्ट्रा दे के, यूज़लेस चीज़, आपको LED पूरे बाइक में मिलेगी बस ये टेल लाइट के अंदर, बस बाकी सारा हैलोजन आपको मिलेगा। लाइक यार तुम्हारी नई वाली इंटरसेप्टर, नई वाली GT सुपर मीटियोर के अंदर LED सेटअप मिल रहा है ना, अब आप लोगों ने हंटर को एक मॉडुलर बाइक निकाला है तो इसके अंदर यार एक हैलोजन सेटअप क्यों दे रहे हो। एंड जिस लोगों को पता है, जिसको नॉलेज है ना, वो बिल्कुल रिलेट करेंगे, बाकी बोलने वाले मेरे पुरानी वीडियो में बोल रहे हैं भाई जब तू बाइक खरीद रहा था अंधा था क्या ये वो, भाई हर एक बाइक के अपने पॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होती हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, इतना बायस मत हो मेरे साथ, मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा है, फिर मेरे को रॉयल एनफील्ड ने पैसे या फिर यामाहा ने पैसे किसकी बुराई करो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी खुद की बाइक है ये, मैंने खुद इस पे 2,10,000 रुपये खर्चे हैं अपनी जेब से गए हैं ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को इसकी काफ़ी खिलती है भाई, हैलोजन सेटअप इसको नहीं देना चाहिए था। उसके बाद वन मोर थिंग, ये एक्सेसरी मैंने रॉयल एनफील्ड की ली थी, एक ये लेग गार्ड था एंड वो स्क्रम गार्ड था, देख सकते हो भाई रॉयल एनफील्ड का लोगो इस पर भी लगा हुआ है एंड इस पर भी लगा हुआ है, ये रहा तो ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड की एक्सेसरी है दोनों, मैंने बाइक के साथ ही परचेज़ करी थी भाई, मत खरीदना 3300 रुपीज़ का, ये 3300 रुपीज़ का ये वर्थलेस ज़ीरो, मत खरीदना। कसौली में बाइक खड़ी खड़ी गिर गई थी मेरी इस साइड, खड़ी खड़ी रेस भी नहीं दे रहा था, मैं यू टर्न ले रहा था, पैरों से इसको चला रहा था एंड वो गिर गई इस साइड, कोई दिक्कत नहीं गिरती रहती है। ये सर हो गए थे बैंड, अलाइनमेंट हो गई थी आउट, हैंडल मुड़ गया था, अब तू मान सकते हो हैंडल मुड़ गया था, अभी मुड़ा मैं थोड़ा सा हैंडल, इसको ठीक करवाया, स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए थे, डेंट पड़ गए थे, वो मैंने ठीक करवाए, तो ये चीज़ नहीं है भाई, मेरे को थोड़ी बिल्ड क्वालिटी में हल्की लगी। और एक्सेसरीज़ तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, ओवर एक्सपेंसिव और अपने रेट और क्वालिटी को जस्टिफाई नहीं करती, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आप इसकी एक्सेसरी लो। बाकी अगर आपको चाहिए कि मतलब जो जो पॉजिटिव चीज़ें मेरे को फेस हुई हैं इसको ऑन करने में उसकी वीडियो चाहिए, तो मेरे को कमेंट करके बता देना नीचे, मैं बना दूंगा, नहीं तो और भी मैंने हंटर की अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन, नेगेटिव ब्रीफली एक्सप्लेन पॉजिटिव्स वाली वीडियो मैंने डाली हुई है, मैं आई बटन में आपको हंटर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, उसको डाल दूंगा। एंड ऐसी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Please subscribe.